नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चल रहा है 508 किलोमीटर का, इसको लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। और आज एक खबर नहीं, दो खबरें हैं और साथ में एक टेक्निकल चीज आपको समझाऊंगा जो आप लोगों को शायद परेशान कर सकती है आगे चल करके, जो आपको पता लगेगी। चलिए उस टेक्निकल चीज के बारे में ही बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो 508 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें जो ट्रैक है वो एलिवेटेड होने वाला है। तो इस एलिवेटेड ट्रैक के ऊपर एक नई चीज देखने को मिली है, ये बैरियर्स। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, एलिवेटेड ट्रैक होने की वजह से यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाए या फिर कोई पशु यहाँ पर आ जाए, तो ऐसे में यहाँ पर इस तरीके की हमारे बैरियर्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो यहाँ पर NHSRCL ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है, इन बैरियर्स को लगाया गया है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट की जो नॉइस क्रिएट होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई बुलेट ट्रेन से, उसको रोकने के लिए आबादी के क्षेत्र में इससे प्रॉब्लम ना हो लोगों को, और नीचे भी जो लोग हों उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो इनको कहा जा रहा है नॉइस बैरियर। ये 2 मीटर ऊंचे और 1 मीटर चौड़े हैं। इस तरीके के कई सारे बैरियर थ्रू आउट द रूट आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक प्रोटोकॉल और रखा गया है, इस तरीके की बैरियर्स की हाइट 2 मीटर से 1 मीटर और ऊपर बढ़ाई जाएगी उन क्षेत्रों में जहां पर आबादी ज्यादा है, बगल में टावर बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, तो वहां तक इस स्पीड से जो नॉइस क्रिएट होगी वो ना पहुंचे। तो उसके लिए पॉलीकार्बोनेट शीट से यहाँ पर 1 मीटर की ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर इसके ऊपर और कंक्रीट का कोई स्लैब नहीं रखा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हम लोग बुलेट ट्रेन में जब सफर करेंगे तो हम लोग आसपास का नजारा जब नहीं देख पाएंगे तो हम लोगों की जर्नी में मजा नहीं आएगा, और इतनी तेज स्पीड में हम लोगों को आसपास का कुछ दिखेगा तो नहीं, लेकिन हाँ हम लोग किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही तो पता लगा पाते हैं कि हम कितना तेज चल रहे हैं। अगर सामने कुछ चल रहा होगा, खिड़की में दिख रहा होगा निकलता हुआ, तभी हम समझ पाएंगे हम कितनी स्पीड में हैं। तो वो मजा खराब नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर NHSRCL ने अपनी प्रेजेंटेशन में इस तरीके की पिक्स भी दिखाई है जिसमें आपको दिखाया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर जापान के बहुत ही इंपॉर्टेंट शिंकानसेन टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होने वाले जे स्लैब यूज होंगे जो कि इस ट्रैक को बेस देंगे। उस जे स्लैब में ऊपर फिर कंक्रीट का मोटा स्लैब होगा, फिर उसके ऊपर ट्रैक बिछाया जाएगा, फिर शिंकानसेन ट्रेन इसके ऊपर खड़ी की जाएगी। उस ट्रेन के अंदर फिर जो चेयर होगा उस पर आप बैठेंगे, तब जाकर के अगर बगल में साइड में 2 मीटर वाले ये बैरियर हैं तब आप लोग तब भी बाहर का नजारा देख पाएंगे। लेकिन उन जगहों पर जहां पर 3 मीटर की ऊंचाई होगी वहां पर इस पिक के अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो नजारा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम होने वाला है, लेकिन ये काम काफी अच्छा है। ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं होने वाला है, 320 की स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट कर सकती है। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो बुलेट ट्रेन है वो बहुत ही ज्यादा हाईली एरोडायनेमिक होगी। उसकी जो बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक नोज होगी वो हवा को कुछ इस तरीके से काटेगी, जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए एयर ड्रैग कम होने की वजह से आवाज बहुत ज्यादा चुभेगी नहीं हमारे को, जो कि चुभनी चाहिए। और साथ में ही इसकी फिनिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, पेंट इतना अच्छा होता है कि जो इसकी बॉडी से भी हवा टकराएगी ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली उस बॉडी से टकराते हुए निकल जाएगी। यही एरोडायनेमिक्स का फायदा है। तो इस तरीके की ट्रेन से वो नॉइज़ क्रिएट नहीं होगी जो कि हमारी नॉर्मल ट्रेन अगर बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में चला दी जाती हैं तो जो क्रिएट करती हैं, तो ये भी एक फायदा है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। अब बात करते हैं, बहुत बड़ी न्यूज़ जो आई है वो न्यूज़ है दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट की पहली टनल जिसको माउंटेन टनल कह रहे हैं वो ब्रेक थ्रू हो चुकी है, और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल रहा है NHSRCL के इंजीनियर्स के लिए, उन सभी इंजीनियर्स के लिए जो कि इसमें लगे हुए थे। वलसाड में ये माउंटेन टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है, ये इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट टनल है जिसका ब्रेक थ्रू हुआ है। न्यू ऑस्ट्रियन टनल बोरिंग मशीन के द्वारा इस तरीके की टनल को खोदा गया है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस अपने आप में होती है। ये एक बहुत अच्छा काम हुआ। दूसरा काम आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस प्रोजेक्ट का पहला स्टील ब्रिज रख दिया गया है NH53 के ऊपर। ये NH53 हाईवे जो है ये सूरत में पड़ता है, और सूरत में इस पहले स्टील ब्रिज को रख दिया गया है। 70 मीटर लेंथ वाला ये ब्रिज है, 70,000 मैट्रिक टन स्टील इसमें यूज हुआ है, और बहुत ज्यादा खास बात यह है इसका वजन 673 मैट्रिक टन है जो कि 1200 किलोमीटर दूर से यहाँ पर लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के नजदीक हापुड़ में एक फैक्ट्री में इस ब्रिज को तैयार किया गया है। इसके अंदर 700 पार्ट्स हैं जिनको जोड़ करके ये ब्रिज बनाया गया है, और उसके बाद ट्रोलीज के माध्यम से धीरे धीरे 1200 किलोमीटर दूर इसको गुजरात ले जाया गया, और ये वहां पर अब NH53 के ऊपर रख दिया गया है, और ये बहुत ही ऐतिहासिक काम रहा। तो अब यहाँ पर वाइडक्ट का काम कितना हो गया मैंने आपको बता दिया था, सितंबर की शुरुआत में 85 किलोमीटर का वाइडक्ट बन चुका था। तो अब बहुत तेजी से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में 100 किलोमीटर का वाइडक्ट भी पूरा होने वाला है। जरूर से आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता।
की जय।